नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस एनालिसिस वीडियो में। तो आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टाटा स्टील शेयर के ऊपर। स्टॉक का रिजल्ट आपको आ चुका है, साथ ही हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे जो स्टॉक में क्या कुछ हो सकता है। तो इन डिटेल में जो है आपको यहाँ पे सारा कुछ एनालिसिस मिलने वाला है, तो आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो टाटा स्टील ने अपना रिजल्ट आपको अनाउंस कर दिया है, उसके साथ साथ ही दो मेजर अनाउंसमेंट हुआ है। एक जो है ये आपको स्टॉक को स्प्लिट करने वाले हैं 10:1 में, और दूसरा जो है आपको डिविडेंड मिलने वाला है पर शेयर 51 रुपीज का, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। 51 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड जो है आपको यहाँ पे अनाउंस किया गया है, और इसके साथ ही स्टॉक में स्प्लिट भी अनाउंस किया गया है। तो चलिए अब जो है हम लोग बात करते हैं रिजल्ट के ऊपर डिटेल से। उससे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी एक बार ध्यान से देखें तो यहाँ पे प्रमोटर का होल्डिंग इंटैक्ट है। प्रमोटर ने अपने होल्डिंग में कोई भी चेंज नहीं किया है। प्लेज शेयर भी आपको 1.55% के अराउंड है। एफआईआई की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, एफआईआई ने अपने पोजिशन को यहाँ पे जबरदस्त तरीके से इम्प्रूव किया है। ऑलमोस्ट 1.5% से यहाँ पे एफआईआई ने अपने पोजिशन को बनाया है, जो कि बहुत अच्छा है। ऑलरेडी आपको यहाँ पे 21.36% का एफआईआई का होल्डिंग था, जो कि अब बढ़कर जो है 22.87% हो गया। डीआईए की बात करें, डीआईए ने भी अपने होल्डिंग को यहाँ पे बढ़ाया है। लास्ट 4 क्वार्टर से कंटिन्यूसली अपने होल्डिंग को ट्रिम कर रहे थे, बट लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे डीआईए ने ऑलमोस्ट 2.3% से अपने स्टेक को इम्प्रूव किया है, बढ़ाया है। तो डीआईए का भी यहाँ पे जो है एक अच्छा वापस से 20% के ऊपर होल्डिंग बन चुका है। और रेस्ट अगर पब्लिक की बात करें, पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पे घटता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना भी पब्लिक ने सेल किया है एफआईआई और डीआईए ने आपको उतना ही बाई किया है। तो इसी वजह से जो है यहाँ पे आपको पब्लिक के होल्डिंग में यहाँ पे डिक्रीमेंट दिख रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे रिजल्ट की। सबसे पहले अगर हम लोग रेवेन्यू के देखेंगे तो रेवेन्यू में बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2021 में अगर हम लोग देखेंगे तो 1,56,000 का था रेवेन्यू, जो कि आपको 2022 में बढ़कर हो गया 2,43,959 करोड़ का। तो बहुत ही मैसिव जंप यहां पे रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ ही अगर हम लोग प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट जो है आपको 5 टाइम्स से ज्यादा बढ़ा है। 2021 में जो है 7,862 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके कंपेरिजन में अगर हम लोग 2022 में देखेंगे 41,100 करोड़ का जो है यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट आपको निकाला है। अर्निंग पर शेयर की बात करें, बहुत ही मैसिव जंप देखने को मिल रहा है, मोर देन 5 टाइम्स का जो है यहाँ पे जंप हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छा जो है अर्निंग यहाँ पे बना के दिया है कंपनी ने। और साथ ही साथ अगर हम लोग रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिला है। और डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट भी यहाँ पे कंटिन्यूसली रिड्यूस होता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल जो है कंपनी का यहाँ पे रिजल्ट काफी अच्छा दिख रहा है। अब अगर हम लोग एक एक करके यहाँ पे बात करें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे, तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम लोग सेल्स की बात करें, 69,323 करोड़ का सेल्स है। अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर की बात करें, 60,783 करोड़ का सेल्स था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 14% का ग्रोथ पोस्ट किया है कंपनी ने। लेकिन अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2021 के क्वार्टर में 49,977 करोड़ का था। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो है 38% का ग्रोथ हम लोगों को लास्ट ईयर के लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला। तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। इसके साथ साथ ही अगर हम लोग टोटल इनकम में भी देखेंगे तो टोटल इनकम में भी हम लोगों को जबरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जो है स्टॉक ने ऑलमोस्ट 3% का यहाँ पे ग्रोथ पोस्ट किया है। लेकिन अगर हम लोग लास्ट ईयर के क्वार्टर से बात करें, मार्च 2021 के क्वार्टर से अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पे आपको 38% से भी ज्यादा का कंपनी ने ग्रोथ पोस्ट किया है। तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट कंपनी का रहा, और इसलिए कंपनी ने शेयर होल्डर को बोनस भी दिया है, 51 रुपीज का जो है डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो ओवरऑल जो है काफी अच्छा रिजल्ट है टाटा स्टील के लिए। अब हम लोग बात करते हैं टेक्निकली इस स्टॉक में क्या कुछ हो रहा है। टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर मंथली चार्ट से हम लोग बात करेंगे, 500 के ऊपर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप से एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था, और 500 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने ऑलमोस्ट 1500 तक कोई भी करेक्शन नहीं दिया। यहाँ से स्टॉक जो है मोर देन ऑलमोस्ट 300% का रिटर्न बना के दिया।
विद इन ए ईयर, और यहाँ पे स्टॉक ने कोई भी करेक्शन भी यहाँ पे नहीं दिया, वापस से एक फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, कंसोलिडेट आपको किया 2 से 3 महीने, और उसके बाद वापस से 1250 के ऊपर ब्रेकआउट करने के बाद हॉल्ट कर रहा है। तो करेंटली अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है आपको एक अप ट्रेंड में ही है, बट यहाँ पे आपको कंसोलिडेट कर रहा है, तो आने वाले दिनों में हम लोग वापस से इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग वीकली चार्ट पे बात करें तो वीकली चार्ट पे भी हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है नीचे की साइड आपको 1050 बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है, ऊपर की साइड जो एक रेसिस्टेंस है वो 1500 के अराउंड है, और उसके नीचे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है आपको 1385 के अराउंड जो है एक और रेसिस्टेंस है, जहां से आपको करंटली स्टॉक ने एक रिट्रेसमेंट शो किया है। अगर हम लोग यहां पे देखेंगे तो स्टॉक ने एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आपको यहां पे ब्रेक किया है, और करंटली जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। यहां पे अगर हम लोग देखेंगे वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट हुआ, और रिटेस्ट होने के बाद आपको इसी लेवल के ऊपर करंटली ट्रेड कर रहा है, 1250 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर यहाँ पे स्टॉक जो है 1400 के ऊपर निकलता है तो वापस से इस स्टॉक में एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोगों को इस स्टॉक को आपको 2000 के लेवल तक भी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो है करंटली स्टॉक एक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको 300% का रिटर्न यहाँ के स्टॉक जो है आपको विद इन ए ईयर बना के दे चुका है, तो इसी वजह से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन एक बार अगर 1400 के लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर आपको 1500 का लेवल, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो वापस से 2000 के लेवल तक जो है हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। इसलिए 2000 के लेवल तक इसलिए हम लोगों को मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट के चैनल पैटर्न में स्टॉक जो है यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। तो एक बार अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर वापस से हम लोग सेम जितना आपको यहाँ पे चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है, वापस से इतने एरिए को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो फिर हम लोगों को 2000 का टारगेट इजीली यहाँ पे मिल सकता है। तो इसी वजह से जो है स्टॉक में जो है एक अच्छा तेजी आ सकता है, लेकिन पहला हर्डल 1400 है, 1400 के ऊपर निकलेगा उसके बाद 1500 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और 1500 के ऊपर निकलने के बाद जो है 2000 तक का टारगेट हम लोगों को इजीली देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।